न्यू मार्केट की समस्याओं का निराकरण न होने की स्थिति में व्यापारियों ने अपनी दुकानों को 26 मार्च से अनिश्चितकालीन तक बंद करने का फैसला लिया है। यह फैसला उन्होंने हॉकर्स के अवैध अधिग्रहण के कारण मार्केट में हो रही अव्यवस्थाओं के चलते और आने जाने में विशेषकर महिला वर्ग को अत्यधिक असुविधा होने के कारण लिया है। न्यू मार्केट व्यापारी और संघ के अध्यक्ष का कहना है कि न्यू मार्केट में हर चौराहे और प्रमुख स्थानों पर अतिक्रमण किया गया है, जिससे उनके व्यापार को नुकसान हो रहा है, जिससे व्यापारी संघ नाराज है, जिसके चलते वे अनिश्चितकालीन तक अपनी दुकानें बंद रखेंगे। दिनों से 8-10 दिन से लगभग ये 15 दिन से ये व्यवस्था अचानक शिथिल हो गई और न्यू मार्केट फिर अवैध अतिक्रमण अवैध आकर से कब्जे में आ गया, जिससे यहाँ के व्यापारियों में रोष हो गया कि ये व्यवस्था इतनी अच्छी व्यवस्था, आइडियल व्यवस्था, न्यू मार्केट को एक आइडियल मार्केट बनाने की व्यवस्था इतने साल की कवायद, इतनी मेहनत के बाद ये अचानक क्यों भंग हुई। और जैसे ये बंग हुई तो लगभग 100 से 150 व्यापारियों ने हमें ज्ञापन सौंपा है बहुत आक्रोशित होकर कि आप महासंघ हमारी संस्था है, हमें न्याय दिलाए और व्यवस्था जमाए। अगर व्यवस्था नहीं जमती है तो वो आक्रोशित व्यापारी मंगलवार से अनिश्चितकालीन बंद की ओर अग्रसर है। कुछ दिनों से